वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता ही, हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के हम लोग फ़ायदे देख लिए, इंपॉर्टेंस देख लिए, ऑब्जेक्टिव देख लिए, एडवांटेजेस देख लिए, बेनिफिट्स देख लिए। उसके साथ ही साथ अकाउंटिंग के कुछ लिमिटेशंस होते हैं, जिसको जानना भी बहुत ज़्यादा कंपलसरी है हम लोग के लिए। तो आइए इसके फर्स्ट लिमिटेशन की बात करते हैं। फर्स्ट लिमिटेशन है, अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। नॉट फुली एग्जैक्ट एज सर्टेन एस्टिमेट्स आर मेड वाइल कैलकुलेटिंग प्रॉफिट लॉस, एग्जाम्पल प्रोवाइडिंग डाउटफुल डेब्ट्स यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट्स। ठीक है, ये जो हमारा अकाउंटिंग होता है, ये जो भी हमें रिजल्ट देता है वो एग्जैक्ट नहीं होता है। एग्जैक्ट किस केस में नहीं होता है? ठीक है, जब भी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस निकाल रहे होते हैं, तो वो एक एग्जैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस हमें कंपनी का पता चले वैसा नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि जो भी डाउटफुल डेट्स का अमाउंट होता है वो एग्जैक्ट नहीं होता है, या फिर हम ये नहीं बता सकते हैं कि जो भी हमारे पास बिजनेस में असेट्स है उनकी लाइफ कितनी है। तो जिस वजह से जो भी अमाउंट आते हैं वो एग्जैक्ट नहीं होते हैं। नेक्स्ट है आपका अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड फॉलोइंग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट विच में लीड टू अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन। जो भी अकाउंटिंग स्टेटमेंट रेडी किए जाते हैं, प्रिपेयर किए जाते हैं, वो क्या फॉलो करते हैं? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, जिसके वजह से कभी कभी गलत इन्फॉर्मेशन भी प्रिपेयर हो जाता है। नेक्स्ट है आपका अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। कन्फाइंड टू मॉनेटरी मैटर्स ओनली क्वालिटेटिव एलिमेंट्स लाइक क्वालिटी और स्किल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड स्टाफ पब्लिक रिलेशन आर इग्नोर्ड। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे अकाउंटिंग में केवल वो चीज़ें इंक्लूड होती हैं जो कि मॉनेटरी टर्म्स में हो, मतलब जो कि पैसे के टर्म्स में होती हैं, केवल उन्हीं चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। जिसकी वजह से जो हमारे क्वालिटेटिव एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि हमारे मैनेजमेंट की क्वालिटी, हमारे स्टाफ का स्किल्स और पब्लिक रिलेशन कैसा है, वो सारी चीज़ें इग्नोर कर दी जाती है। ठीक, नेक्स्ट है आपका अकाउंटिंग इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। प्रिपेयर्ड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट मनी एज इन वैल्यू डज नॉट रिमेन स्टेबल बट अकाउंटिंग प्रिज्यूम इट टू बी स्टेबल। देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो मनी है वो, उसकी जो वैल्यू है वो स्टेबल नहीं रहती है, वो क्या होती है? चेंज होती रहती है। लेकिन जो भी हमारी मैनेजमेंट होती है, वो जब रिपोर्ट बनाती है तो वो ये अज्यूम करके रिपोर्ट बनाती है कि जो भी मनी की वैल्यू है वो स्टेबल है, ठीक है, वो चेंज नहीं होगी, और जिसके वजह से हमें प्राइस पे इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स इन अ वे सो एज टू कंसील वाइटल फैक्ट्स एंड प्रेजेंट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू शो बेटर पोजिशन दैट वॉट एक्चुअली इज। देखिए, क्या किया जाता है, अपने अकाउंट्स को और बेटर दिखाने के लिए कि हमारा अकाउंट्स, हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो सबसे अच्छा है, उसको अच्छा दिखाने के लिए कभी कभी जो अकाउंट्स होते हैं, जो भी हमारे रिकॉर्ड्स होते हैं, उनके साथ थोड़ी छेड़छाड़ की जाती है और उनको जो एक्चुअली है उससे अच्छा दिखाया जाता है। ठीक है, जो एक्चुअल चीज़ें हैं उसको ना दिखा के उसको बेटर दिखाया जाता है हमारे यूज़र्स को। ठीक है, चाहे वो इंटरनल यूज़र हो, चाहे वो एक्सटर्नल यूज़र हो। तो बेसिकली हमारे कुछ थोड़े मोड़े 3-4-5 लिमिटेशन थे जिसको जानना ज़रूरी था। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।